गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो बेटे, कल जो हमने वीडियो में न्यूमेरिकल किए थे पीएच वैल्यू के न्यूमेरिकल करने के बाद में जो है आज का हमारा जो टॉपिक है ये है पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सॉल्यूशन। जो कॉमन सॉल्यूशन होते हैं उनमें जो है पीएच कितनी होती है, कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पढ़ेंगे। जैसे सलाइवा बिफोर मील्स, खाना खाने से पहले जो हमारी लार होती है, सलाइवा होता है, उसका पीएच होता है 7.4 और खाना खाने के बाद में हो जाता है 5.8। एरिएटेड ड्रिंक मतलब जो गैस भरी हुई होती है जैसे सोडा वाटर, उसके अंदर जो है पीएच 6 होता है। जो लेमन जूस होता है उसका 2.2 होता है। टमाटो जूस होता है 4.1। जो हमारा ब्लड होता है उसका 7.4। प्योर वाटर का 7 होता है। गैस्ट्रिक जूस का 1.2 और 0.1 mHcl का 1 और 0.1 NaOH का 30। तो ये इंपॉर्टेंट है जी, इन्हें थोड़ा याद कर लेंगे आप, पूछ लेता है जी एग्जाम में एक नंबर में। फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो बेटे कुछ एग्जाम्पल हैं पीएच के हमारी एवरीडे लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो उन्हें हम पढ़ेंगे जी हाँ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं जी। सबसे पहले सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू पीएच चेंज। पीएच चेंज होने पर जो हमारे प्लांट्स और एनिमल है वे किस तरीके से संवेदनशील होते हैं, सेंसिटिव होते हैं किस तरीके से, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। अवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। मतलब हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है वो इस रेंज में काम करता है जी पीएच उसकी। When pH of rain water is less than 5.6, it is called acid rain। जब जो हमारा रेन वाटर होता है, बारिश का पानी जो होता है, जब उसकी pH 5.6 से कम हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं एसिड रेन। और जब ये एसिड रेन व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर्स, जब ये नदियों में गिरती है, इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। रिवर वाटर का जो पीएच है वो कम हो जाता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफिकल्ट। तो उसमें जो रहने वाले जीव हैं, पानी में रहने वाले जो जलीय जीव होते हैं नदी के अंदर, उनकी जो लाइफ है वो बड़ी डिफिकल्ट हो जाती है जी एसिड रेन मिलने से उनमें। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है सोयल पीएच एंड प्लांट्स ग्रोथ। देखो मिट्टी में भी जो है, सोयल में भी पीएच का बड़ा रोल है जी प्लांट्स की ग्रोथ करने में भी, क्योंकि हर जगह की मिट्टी एक सी नहीं होती और हर फसल हर मिट्टी में नहीं हो सकती, तो सोयल के लिए भी पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। वो हेल्थी ग्रोथ करने के लिए प्लांट्स की स्पेसिफिक रेंज होनी चाहिए पीएच की। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ ए प्लांट, हम पता करेंगे भाई इस प्लांट के लिए हेल्थी ग्रोथ करने के लिए कितनी पीएच सही है। तो यू कैन कलेक्ट दिस सोयल फ्रॉम वेरियस प्लेस। तो हम अलग अलग भिन्न भिन्न स्थानों से जो है मिट्टी को जो है हम ले सकते हैं पता करने के लिए भी कहाँ की मिट्टी इस फसल के लिए बेस्ट है। चेक द पीएच, और उसका पीएच हम चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ए हेल्थी ग्रोथ व्हेन द पीएच ऑफ द सोयल इज क्लोज टू 7। मतलब अगर 7 के आसपास है पीएच सोयल की तो वहां ये माना जाता है कि हेल्थी ग्रोथ होती है जी हमारे जो प्लांट्स हैं और जो फसल है उसकी हेल्थी ग्रोथ के लिए जो है 7 के आसपास पीएच होना जरूरी है। थर्ड पॉइंट आता है पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, वहां भी पीएच का बड़ा रोल है जी। कैसे? अवर स्टोमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टोमक। बेटे हमारा जो स्टोमक होता है, पेट जो होता है, उसके अंदर एचसीएल प्रोड्यूस होता है, वो हमारे खाने को जो है डाइजेशन करने में जो है हेल्प करता है, पेट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब अपाचन हो जाता है मतलब पाचन ठीक से नहीं होता, डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, द स्टोमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। तो जो कहते हैं ना एसिडिटी बन रही है, तो हमारा स्टोमक जो है वो ज्यादा एचसीएल प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है एंड दिस कॉजेस पेन एंड इरिटेशन। मतलब दर्द और जो बेचैनी है वो हमारा होने शुरू हो जाती है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से बचने के लिए, इस बेचैनी से बचने के लिए, पीपल यूज बेसिस कॉल्ड एंटासिड।
अब जो है इससे बचने के लिए जो है एंटासिड का यूज करते हैं लोग, जो है एक बेस का यूज करते हैं, एक दवाई लेते हैं जिसको बोलते हैं एंटासिड, वे होती है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि MgOH का ट्वाइस, बेकिंग सोडा NaHCO3। क्यों, इनसे क्या होता है जो एसिड बनता है ये बेस है तो वो उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं, क्या कर देते हैं न्यूट्रलाइज कर देते हैं उसके इफेक्ट को। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट थे जी। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डीके, जो दांत खराब होने में जो है बेटे पीएच का बड़ा रोल होता है, जो दांत हमारे खराब हो जाते हैं वहां पीएच का बहुत बड़ा रोल है। कैसे, किस तरीके से, देखो टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का पीएच जो है 5.5 से कम होना शुरू हो जाता है तब हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। टूथ इनेमल, जो दांत का सफेद वाला हिस्सा होता है बेटे, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट Ca3PO4 का ट्वाइस, जो हमारा इनेमल होता है टूथ इनेमल, जो सफेद पार्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है और हमारी बॉडी में सबसे हार्ड सब्सटेंस है जी वो कैल्शियम फॉस्फेट। इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजोल्व नहीं होता है, बट इज क्रोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन जब हमारे जो खराब होना शुरू हो जाता है, जब हमारे मुंह का पीएच जो है कितना होना शुरू हो जाता है 5.5 होना से नीचे आना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, बेटे जो भी हम फूड खाते हैं, मीठा खाते हैं, शुगर खाते हैं, उससे जो है हमारा बैक्टीरिया प्रोड्यूस होता है, उससे क्या बनते हैं बैक्टीरिया बनते हैं। जैसे हम खाना खा लेते हैं तो थोड़ा बहुत खाना दांत में बचा रह जाता है, या शुगर खाते हैं उसके पार्टिकल बचे रह जाते हैं तो वो जो है बैक्टीरिया में चेंज हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड, तो जो मतलब हमारे अंदर जो हम फूड खाते हैं, मीठा खाते हैं या कुछ भी भोजन खाते हैं, जो बैक्टीरिया रहते हैं उनमें, वे उसे किस में चेंज कर देते हैं एसिड में चेंज कर देते हैं। दीज एसिड अटैक टूथ इनेमल, यो एसिड जो है जो इनेमल होता है सफेद दांत पर हमारे पे क्या करता है अटैक कर देता है, विच लीड टू टूथ डीके, जिससे क्या होता है दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। देयरफॉर इस प्रकार माउथ मस्ट बी क्लीन विद सुटेबल टूथपेस्ट आफ्टर एवरी मील, इसलिए खाना खाने के बाद में जो है हमें टूथपेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बेटे टूथपेस्ट क्या होता है जनरली बेसिक होता है और वो उसे एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमारे दांतों को सुरक्षा पहुंचाता है, हेल्प करता है जी हमारे दांतों खराब होने से बचाता है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर, बेटे कुछ प्लांट्स जो है वे जो है हार्मफुल होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती हैं वे हमारे शरीर को जो है नुकसान पहुंचाती हैं। कुछ प्लांट्स, कुछ एनिमल्स भी ऐसे होते हैं जैसे मधुमक्खी होती है बी जो काटती है तो उससे भी जो है वो भी हार्मफुल है, उसमें भी दर्द होता है बेटे। बी स्ट्रिंग लीव मेथेनोइक एसिड, जो बेटे मधुमक्खी होती है वो क्या छोड़ती है तार के रूप में जो है, तार तार से, स्ट्रिंग का मतलब है तार तार, तार के जैसे जो है मेथेनोइक एसिड छोड़ती है अपने डंक के द्वारा जब वो मधुमक्खी बी जो है हमारा काटती है, इससे क्या है कोस पेन एंड इरिटेशन, बेचैनी होती है और दर्द होता है। उससे रिलीफ पाने के लिए हम मिल्ड बेस, मीडियम बेस जो है जैसे बेकिंग सोडा का यूज कर देते हैं, जो वो एसिड है और बेकिंग सोडा बेस है जो न्यूट्रलाइज कर देता है। ऐसी प्लांट्स में भी देखा गया है नेटल इज ए हर्बेक्सियस प्लांट्स विच ग्रोज इन दी विल्ड, बेटे जो हमारे जंगल होते हैं उनमें जो है घास के जो मैदान होते हैं वहाँ एक नेटल नाम का एक प्लांट्स है वो उगता है। सिटिंग हेयर बाल, मतलब है ना वो जो है उनकी पत्ती जो है बाल के जैसी होती है, नकुली नकुली जो है उनमें निकली रहती है, तो उनकी पत्तियाँ कैसी होती हैं बाल के जैसी होती है। विच कॉज पेनफुल स्ट्रिंग हैव टच्ड एक्सीडेंटली, अगर हम अचानक उससे टच हो जाते हैं तो हमारे क्या होता है दर्द होता है। दिस इज ड्यू टू द मेथेनोइक एसिड सेक्रेटेड बाय देम, उससे क्यों, क्योंकि उससे जो है ना मेथेनोइक एसिड निकलता है, जो पत्ती हमारे शरीर पर लगती है तो उनसे क्या निकलता है मेथेनोइक एसिड निकलता है, जिससे क्या है दर्द होता है, पेन होता है और हमारा बेचैनी होती है। तो अब उसी की साइड में नेटल प्लांट की साइड में ही एक डॉग प्लांट होता है जी, डॉग प्लांट होता है जो एक बेस होता है, तो जैसे ही हम वो हमारे पत्तियां लगती हैं नेटल प्लांट की तो उसी की साइड में एक डॉग प्लांट होता है, हम जो है वो बेसिक नेचर का होता है, हम उसको जो है जहां वो पत्तियां लगती हैं उसको रगड़ लेते हैं, जिससे क्या है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और हमारा पेन जो है वो खत्म हो जाता है। अब बेटे क्या है, ये तो इंपॉर्टेंस तो खत्म है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो पूछ लेता है।
अब ये कुछ सोर्स दे रखे हैं जिनके अंदर ये एसिड मिलते हैं, एक नंबर का हिस्ट्री क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड, ये सिरका होता है जी, आप अक्सर यूज करते होंगे खाने में, अचार वगैरह में या सिरके की मिर्च। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टैमरिंड में जो है टार्टरिक एसिड होता है, इमली होती है जी, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, मिल्क में जो है सोया मिल्क में या दही में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, आंट स्टिंग, नेटल स्टिंग मतलब इनके जो डंक होते हैं, चींटी का डंक होता है, जो पेड़ होता है प्लांट्स बढ़ाता है नेटल, इसमें जो है ये मैथेनोइक एसिड छोड़ता है जी, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं इसे, इसका आईयूपीएससी नेम है, आगे पढ़ाएंगे हम आईयूपीएससी नेम भी, और ये क्या है फॉर्मिक एसिड, इसका कॉमन नेम है, HCOOH इसका फॉर्मूला है। तो बेटा आज हम इतना ही रखेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से जो है समझ गए, इन्हें अपने फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है।